नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस टारगेट चैनल पे। और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन और चला रहे कंपाइलर डिजाइन की एक नई सीरीज। सो फ्रेंड्स, हमने LL1 की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे गेट के ऊपर गेट के। हमारा ये रिसेंट क्वेश्चन है 2021 का, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वेयर द सेट ऑफ टर्मिनल इज ए बी सी डी एफ। तो यह ग्रामर दिया हुआ है, हमें टेबल दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्ड सेल्स इन द पासिंग टेबल। सो हमारे जो नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या एंट्रीज आएगी, वो हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं, वो मैच करके हमें करेक्टली सॉल्व करना है। सो देखते क्या आएगा। हमारे पास देखिए, अगर शॉर्टेस्ट वे में चले तो हमारा देखिए यहाँ पर जो DAT है इसका क्या करेंगे, हम फर्स्ट निकालेंगे। तो इसका फर्स्ट जो आएगा वो आएगा डी। तो ये देखिए हमारा डी आ गया यहाँ पर एंट्री। उसके बाद RF दिया हुआ है, RF का हम फर्स्ट निकालेंगे, सॉरी RF में फर्स्ट निकालेंगे तो RF का एंट्री होगा, जैसे कि S टेंड्स टू RF दिया हुआ है हमारे पास। R का एक दो चीज़ें हो सकती है, एक होती है CATR और एक हो सकती है एप्सिलॉन। तो CATR में हमारा फर्स्ट हो गया C, और अगर R एप्सिलॉन हो जाता है तो R गायब हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट F, तो C और F हमारी एंट्री हो जाएगी। तो देखिए S टेंड्स टू हमारा जो RF है यहाँ पर एंट्री आ जाएगी दोनों, S टेंड्स टू RF। तो इससे हमारा जो ऑप्शन है, जो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन कैंसिल। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा सब कुछ कैंसिल हो गया, हमारा डी ऑप्शन मिल गया है, लेकिन हमें इस कंसेप्ट को समझना है। सो हम इसको आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। सो देखते हैं, हमारा जो टी दिया हुआ है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसमें ए एस दिया है, तो इसका फर्स्ट आएगा ए। तो ये देखिए हमारा एंट्री हो जाएगी, बी ए टी का फर्स्ट आएगा बी। तो ये देखिए बी में हमारा एंट्री आ चुका है। सो अब बचा है हमारा एप्सिलॉन, टी का एप्सिलॉन जो आएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, फॉलो ऑफ जो एप्सिलॉन दिया तो फॉलो ऑफ टी निकालना पड़ेगा हमें। सो फॉलो ऑफ टी क्या आएगा हमारे पास, फॉलो ऑफ टी आएगा, एक हो जाएगा फॉलो ऑफ एस यूनियन फॉलो ऑफ टी ही है, और एक जो सेकंड देखिए यहाँ पर टी आएगा, तो इससे क्या आ गया फॉलो ऑफ, मैं चेंज कर लेता हूँ पेन, ये देख लीजिए यहाँ पर फॉलो ऑफ एस आ गया, इससे क्या आ गया हमारा फॉलो ऑफ टी आ गया। और ये देखिए इसके क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट ऑफ आर यूनियन फर्स्ट ऑफ आर फर्स्ट ऑफ आर। अब फॉलो ऑफ एस तो हमारा डॉलर तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये फर्स्ट सिंबल है। उसके बाद हमारा एस कहीं पे और रिपीट हो रहा है, तो देखिए एस भी क्या कर रहा है फॉलो ऑफ टी दे रहा है, तो ऑलरेडी हमारा इंक्लूडेड है इसमें। उसके बाद हम हमारा टी कहाँ पर, ये देखिए यहाँ फर्स्ट ऑफ आर में आएगा, तो फर्स्ट ऑफ आर क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ आर आएगा हमारे पास दो चीज सी और एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आएगा C और एप्सिलन। सो एप्सिलन तो हमारा फॉलो में कभी हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉलर और C, देख लीजिए हमारा जो अगर अगर हमने यहाँ पर C लिख दिया है, ठीक है, और एप्सिलन लिख दिया है, तो अगर R एप्सिलन हो जाता है, अगर हमारा R एप्सिलॉन हो जाता है तो हमें फॉलो ऑफ R ही निकालना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ R क्या आएगा हमारे पास, फॉलो ऑफ R क्या आएगा हमारे पास F, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर C हो गया एक और एक एप्सिलॉन हो गया। तो अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन डालते हैं तो हमारा R गायब हो जाएगा, तो ये क्या करेगा T जो हमारे फॉलो ऑफ R निकालने को बोल देगा हमें, तो फॉलो ऑफ R क्या आएगा हमारे पास, तो हो जाएगा ये देख लीजिए F। हमारे पास एक और एक एंट्री आ गई यहाँ पर F की एंट्री। अब ये मुझे कैसे समझ आया, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन आ गया, तो और एप्सिलॉन तो हम लिखते नहीं, इसका मतलब हमें कहीं तो एप्सिलॉन पुट करना पड़ेगा और हमें पता चलेगा कि क्या क्या एंट्री आएगी। सो देख लीजिए यहाँ पे हमारे कहाँ कहाँ पर एंट्री आ गई, R टेंड्स टू एप्सिलॉन। सो यहाँ पर हमारा देखिए डॉलर में आएगा हमारे पास T टेंड्स टू एप्सिलॉन, और ये C में भी आ गया हमारा T टेंड्स टू एप्सिलॉन, और F में भी आना चाहिए था, ये देखिए उसने ऑलरेडी लिखा है। तो हम जो एकदम करेक्ट प्रोसीजर कर रहे थे वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, इस पर हमें कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये हमने अपना मैक्सिमम जो है चीज़ें कवर कर लिए, 3 और 4 ही हमारा करेक्ट होता है। तो देख लीजिए ये होगा हमारा आंसर फाइनली। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिसेंट क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किया हुआ है। सो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, कंसेप्ट के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।